देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट 85 इसके जोलॉजी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए एनसीईआरटी कह भी सकते हैं कि एनसीईआरटी का है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ये एज इट इज़ मिल जाए एनसीईआरटी में, बस हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैलिग्नेंट या कैंसरस या नियोप्लाज्मिक ट्यूमर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी में ये मेटास्टेसिस शो करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की टेंडेंसी शो करता है, और ट्यूमर जहाँ भी डेवलप हो रहा होता है वहाँ पर अपनी नई ब्लड वेसल्स को बना लेता है, यानी एंजियोजेनेसिस करता है। तो देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तब इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, नई ब्लड वेसल्स का बनना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैनाबिनॉइड्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में कैनाबिनॉइड्स के बारे में इनकरेक्ट देखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट मेनली इन द ब्रेन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सेकेंड, कैनाबिनॉइड्स आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ द कैनाबिस सटाइवा प्लांट। बिल्कुल सही है, कैनाबिनॉइड्स इंक्लूड मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ये भी ठीक है बिल्कुल। कैनाबिनॉइड्स आर जनरली टेकन इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन विच अफेक्ट्स द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ठीक है, देखो आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके रिसेप्टर्स यहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये पहली वाली ऑप्शन अपने आप रॉन्ग हो गई, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही आंसर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लेकर के। क्वेश्चन नंबर फोर की अब मैं बात कर रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन इसमें निकालना है कौन कौन सी हैं। पहला, द स्प्लीन इज़ ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स। तो देखिए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन दैट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है बिल्कुल। स्प्लीन के पास जो फैगोसाइट्स होती हैं उनको रेटिकुलर सेल्स नाम देते हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं इसके पास खुद की। सेकेंड, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है ये, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ्ट रिजेक्शन और फेलियर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो देखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड फेलियर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये भी बिल्कुल सही है, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। फोर्थ, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम हैज़ एन अबंडेंट अमाउंट ऑफ IgA एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबीज। तो देखिए येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम है, बिल्कुल सही है, इसमें एंटीबॉडी जो मिलती है वो IgA होती है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है वो हमेशा पैसिव इम्यूनिटी होती है, ना कि एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के खुद एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एंटीबॉडीज़ मदर मिल्क में मौजूद है जो फीटस की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, न्यूबॉर्न की बॉडी में एंटर कर रहा है, तब न्यूबॉर्न को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ के थ्रू, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ के थ्रू इम्यूनिटी मिल रही है, इसलिए हम इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। तब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों बिल्कुल सही हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गैस्ट्रोला स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स गैस्ट्रोला की कैरेक्टरिस्टिक है, ये होता ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी,
ब्लास्टुला गैस्टुला स्टेज में कैसे बनेगा? ब्लास्टुला पहले होगा, फिर उसके बाद गैस्टुला स्टेज आएगी। फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जम लेयर्स, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एफिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। एनसीईआरटी के बाहर का ये क्वेश्चन है, लेकिन अपन कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला पहले होता है और गैस्टुला बाद में होता है। तो आंसर एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, लेकिन बाकी स्टेजेस जो हैं वो क्वेश्चंस फ्रेमिंग जो है वो एनसीईआरटी के बाहर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, देन द सेल स्वेल्स इन डैश एंड श्रिंक इन डैश रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, सराउंडिंग कंसंट्रेशन अगर कम होगी, यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा, तो वाटर सेल में एंटर करेगा तो सेल स्वेल कर जाएगी, तो पहले हाइपोटोनिक होना चाहिए। और श्रिंक किस में करेगी? हाइपरटोनिक के अंदर। तो देखिए, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ऑप्शन बी के अंदर ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हुई, सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, मेमरी ग्लैंड ऑफ अ वुमेन इज, देखिए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है क्या? बिल्कुल है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? नहीं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या? हाँ बिल्कुल, डक्ट के थ्रू इसके प्रोडक्ट को कैरी किया जाता है। तो ये दोनों ए और सी ऑप्शन डी के अंदर मिल रहे हैं, तो सही आंसर इसके अंदर डी हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है? द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? ओलिगोस्पर्मिया। अगर एब्सेंट होता तो एजोस्पर्मिया। तो अभी तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टर्म आएगी ओलिगोस्पर्मिया, तो इसे हम ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे, इस डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट। फिर उसके बाद एंड ड्यू टू इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ, एंड इज ड्यू टू इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ वाई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, पहली ऑप्शन है ओलिगोस्पर्मिया, और दूसरी किस वजह से ओलिगोस्पर्मिया होता है? तो मेल हार्मोन यहाँ पर डेफिशिएंसी शो करते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ओलिगोस्पर्मिया आता है। तो देखिए, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखो दोस्तों क्या है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इनमें से कौन सी आईयूडी नहीं है? मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट, इम्प्लांट और लिपस लूप। तो इम्प्लांट जो है वो आईयूडी नहीं है, है ना? ये हार्मोनल इम्प्लांट्स किसी थिक मस्कुलर पार्ट पर बॉडी में, ये वहाँ पर लगा दिए जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे इनमें से हार्मोन निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी प्रोजेनी बनी है? डॉली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ट्रेसी, इसमें भी नहीं हुआ है। हिसार डेल शीप, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। हिसारडेल इंटर स्पेसिफिक, सॉरी है ना, ये इंटर ब्रीड है, स्पेसिफिक नहीं है, इंटर स्पीशीज नहीं है। मेरिनो रैम और बीकानेरी यूज म्यूल, देखिए ये सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, दो अलग अलग स्पीशीज जब मैच कर रही हों, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही हों, तब हम उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन हिसारडेल शीप जो है, मैंने आपको बताया हिसारडेल शीप ये इंटर ब्रीड यानी क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन एनिमल्स एंड देयर फीचर्स। तो देखिए, रेडिएटा, सूडो सीलोमेटा, मेटाजेनेसिस और बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस इनकरेक्ट मैच हमें पहचानना है ना। तो पहले मैं इनकरेक्ट को हाईलाइट कर देता हूँ। बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ क्लास ऑफ निडेरिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओबिलिया इसको शो करता है, फाइसिलिया भी शो करता है। रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री एस्टीरियास के अंदर होती है, बिल्कुल ठीक है। एसीडिया ये तो प्रोटोकॉर्डेट है, इसमें नहीं होगी, तो ये मिसमैच हो गया। सूडोसीलोमेट एनकाइलोस्टोमा राउंडवर्म, एस्केरिस राउंडवर्म। तब देखिए सही आंसर इसके अंदर बी हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन। तो देखो एनसीईआरटी बेस्ड सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, 1951। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ एसीडिया यानी यूरोकॉर्डेटा, प्रिस्टिस, हाइला एंड कैलोटीज। ठीक है, हाइला एम्फीबिया का मेंबर है, कैलोटीज रेप्टाइल हैं, गार्डन लिजर्ड को कैलोटीज कहते हैं, प्रिस्टिस फिश इसका एग्जांपल है ना, स्टिंगरे का जो सॉ फिश है उसका एग्जांपल है। तो देखिए इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सब के पास गिल स्लिट्स मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिल्कुल ठीक है, यही इन सब के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं मिलेगा, है ना। सॉलिड डॉर्सल डबल नर्व कॉर्ड तो सिंगल होती है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सब में नहीं होता है, टू चैम्बर्ड भी होता है ना, जैसे प्रिस्टिस के पास होगा। तब फेरिंजियल गिल स्लिट्स, तब इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू मिड ब्रेन ऑफ ह्यूमन। तो देखिए मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, कॉर्पस कैलोसम फोर ब्रेन, तो ये गलत हो गया। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम ये तो फोर ब्रेन में हो गया, एसोसिएशन एरियाज फोर ब्रेन में हो गया, क्रूरा सेरेब्राए बिल्कुल ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यू शेप्ड बोन। 29 की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी इज इन एंड इज इंक्लूडेड इन द स्कल। देखो आप लोग हमेशा इस पॉइंट को कंट्रोवर्सी करते हो या मानते हो इसको, कि हायोइड बोन जो है वो पार्ट ऑफ स्कल नहीं है। तो देखिए बक्कल कैविटी के बेस पर ये बोन प्रेजेंट है, देखिए स्टेटमेंट में ही लिखा है पार्ट ऑफ स्कल है, तब स्कल बोन अगर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन्स याद रखना है आपको 29 होंगी। कितनी होंगी, 29। तो हायोइड कहाँ पर मौजूद है, ये बक्कल कैविटी के बेस पर लगी हुई एक यू शेप बोन का एक बढ़िया सा एग्जांपल है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स है तो कहाँ होंगे, ये होंगे टंग के ऊपर। तो टंग का काम क्या है, टंग का काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना, ना तो ये टच के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, ना तो यहाँ पर टच से रिलेटेड कोई इवेंट होने वाली है, स्मेल भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट।
अब आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन था ये, 32nd क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्मूथ मसल्स इन ह्यूमन। देखिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो स्मूथ मसल्स से अफेक्टेड नहीं है। ट्रांसपोजिशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, प्योरली स्मूथ मसल फिनोबिना। इसमें जो स्मूथ मसल्स पार्टिसिपेट कर रही है वो है मस्कुलरिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गैमीट्स थ्रू द जेनाइटल डक्ट, तो देखिए आप इसमें भी स्मूथ मसल्स काम करती हैं जो पेरिस्टॉल्सिस शो करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेटर एंड ब्लैडर, यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। च्यूइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड थ्रू द बक्कल कैविटी, थ्रू बक्कल कैविटी ये नहीं है। च्यूइंग जो है वो जॉ मसल का फंक्शन है, जॉ मसल जो है वो स्केलेटल मसल है। तब सही आंसर जो है वो डी हो गया। तीन स्मूथ मसल से रिलेटेड हैं और एक यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये है स्केलेटल मसल से। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए अब, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। ठीक है, ये प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्लीट मोर देन 22% ऑफ द टोटल। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, बर्ड्स आर लेस देन द नंबर ऑफ मैमल्स। नहीं, बर्ड्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो देखिए आप यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट सही आंसर हुआ, स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर हॉर्मोन्स, तो देखिए आप हॉर्मोन्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमें अंडरलाइन करके अपने दिमाग को ये ऑर्डर करना है कि इसको नेगेटिव फॉर्म में याद रखे ताकि आंसर निकालने में दिक्कत ना आए। दे आर केमिकल्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हॉर्मोन की डेफिनेशन ही यही है। दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल सही है। दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, नहीं हॉर्मोन्स तो सबके सेम होते हैं, इसलिए पिग या रैट की बॉडी के अंदर बना हुआ इंसुलिन हमारे अंदर भी वही काम करता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन रिलेशन टू द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म एंड द नेम ऑफ कंट्री। देखिए कौन कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्वागा एक एनिमल है इसके एक्सटिंक्ट होने का अफ्रीका से पूरा बताया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए आप डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थाइलेसीन रशिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, ये गलत है। स्टीलर सी काओ रशिया से हुई है, ये सही है, ठीक है। तो देखो आप इसमें ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो या ना हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, थाइलेसीन रशिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, ये गलत है। रशिया से सी काओ एक्सटिंक्ट हुई है, कौन हुआ है दोस्तों, सी काओ। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मैच अबाउट ब्लड।
पहला, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये 55% होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा फिर अपने आप 45% हो गया। हीमोग्लोबिन 12 टू 16 ग्राम पर 100 एमएल ऑफ ब्लड। एक सेकंड है ना, मैं देखो वापस से सुनो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट मैच हमें पहचानना है। मैं इनकरेक्ट मान करके आंसर कर रहा था, सॉरी, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इनकरेक्ट था, इससे एक दो क्वेश्चन पहले। देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमेशा 45 होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो गए तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। प्लाज्मा यानी लिक्विड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो ये दोनों गलत हो गए। अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन 12 टू 16 ग्राम पर 100 एमएल ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, आइडियल है ये। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट मैच, तब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36, इसकी हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चंट एंड डेफ म्यूटिज्म इन द ग्रोइंग बेबी। तो देखो आप, ये सब कुछ थायरोक्सिन रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। तब हाइपोथायरॉयडिज्म से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं, क्रेटिनिज्म, एक्सोडिमा। क्रेटिनिज्म ये बच्चों से रिलेटेड है, तो सही ऑप्शन क्रेटिनिज्म में आईक्यू काफ़ी कम रहता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो क्रेटिनिज्म है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 44, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैच द कॉलम इसके अंदर दिया गया है, तो इसको अपन मैच करवा लेते हैं एक बार, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या कॉलम किसके साथ मैच कर रहा है। तो देखिए, हार्ट अटैक, लब साउंड किसका रिजल्ट है, क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स का। डब साउंड किसका रिजल्ट है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व्स। कार्डियक अरेस्ट सडन स्टॉपेज ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक अरेस्ट यानी के साथ फिफ्थ आएगा। तब देखो, हार्ट अटैक इसके साथ सेकंड आएगा, तो फर्स्ट के साथ सेकंड, जे के साथ, आई के साथ सेकंड, जे के साथ वन, के साथ फिफ्थ और एल के साथ थर्ड, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। सिंपल सा मैच द कॉलम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ईसीजी ऑफ ह्यूमन। पहला देखिए, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, बिल्कुल ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। द ईसीजी ऑफ अ पर्सन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होना चाहिए। तो यहीं पर हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अब पैम का मतलब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी पैम, इसका मीनिंग मरासमस एंड क्वाशी ऑर्कर दोनों हैं, तब डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 46, इसकी बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर सीक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो देखिए, कौन से सब्सटेंसेज हैं
जो ट्यूबुलर सेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं, कहाँ पर? फिल्ट्रेट में। तो देखिए कौन कौन से हैं, पोटेशियम, एच प्लस आयंस और अमोनिया, ये रिलीज़ किए जाते हैं अलग अलग साइट से, तो ये फिल्ट्रेट का पार्ट बनते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो देखिए सबसे बड़े से अपन सबसे छोटे की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम, तब बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए अब बी बिल्कुल सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ये क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखिए टेडपोल ऑफ फ्रॉग गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ये हमें पता है। बोनी फिश, इसके पास भी गिल्स हैं। शार्क, गिल्सलेट्स होती हैं। ब्लू वेल के पास क्या है, इसके पास रीटिया मिराबिलिया, या इस तरह से एक लंग्स और सुपरफिशियल कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, तब इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर कौन से टाइप के होते हैं। हमेशा याद रखना है, स्टीयरिंग टाइप के जो बायो रिएक्टर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। तो ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए। अब देखिए, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड ऑन दी अर्थ। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कब बनी होगी, तो देखिए अर्थ पर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है इसका ओरिजिन कब स्टार्ट हुआ, तो देखिए मेरे हिसाब से NCERT को जब अपन देखते हैं तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाना चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सॉरी, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, तो ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ केमिकल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट थी तब, केमिकल्स की फॉर्म में ये लाइफ अवेलेबल थी, यानी केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहली सेल 2000 मिलियन ईयर्स पहले डेवलप हो गई थी, उससे पहले सेल एवोल्यूशन जो था वो चल रहा था, तब उसके अकॉर्डिंग हम 3 बिलियन ईयर्स अगो, यानी हम ए इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बिलियन ईयर्स पहले तो लाइफ बन चुकी थी, सेल बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 60 इसको देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो देखिए
रेस्ट्रिक्शन चाहिए क्या? रेस्ट्रिक्शन इन जो न्यूक्लियस बिल्कुल चाहिए ताकि हम वहाँ पर निकिंग कर पाएँ। डीएनए लाइगेज से हम फॉरेन डीएनए को जोड़ पाएंगे। डीएनए के फ्रेगमेंट्स ये चाहिए जिसको हम फॉरेन डीएनए या एलियन पीस ऑफ डीएनए कहते हैं। ई कोलाई नहीं चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, है ना, ये हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। अब देखिए क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एविडेंसेस इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो कौन शो करता है? तो देखो आप, एक ही तरह के एंसेस्टर्स से ये डेवलप हुए हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने पर कोई ना कोई एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, तब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई, कुछ का लॉस हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 64, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो देखिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। रेट्रोवायरसेस इज कॉमनली यूज्ड एज ए वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल सही है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज इज जीएक। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड एनीलिंग। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, उल्टा लिखा है, कुछ गड़बड़ है। ये पहले होना चाहिए था, ये तीसरे नंबर पर होना चाहिए था, थर्ड नंबर पर। ठीक है, कौन सा? ये जो, तो देखो आप, ये है थर्ड, ये सेकंड है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। देखिए ये क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस फॉर एग्जिस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस विद ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 65 to 800 cc। ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो द मॉडर्न होमोसेपियन अरोज। ये भी ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वर डेवलप्ड बाय एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। तब देखो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, ये एटीन थाउजेंड ईयर्स पुराने हैं। 10,000 ईयर्स पुरानी जो है वो एग्रीकल्चर है, तो इस पॉइंट को लेकर के ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो गई। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ रहे हैं अब। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड, मतलब नेगेटिव और ज़ीरो, एंड इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज, क्या कहलाती है? इसको हम नाम देंगे अमेंसलिज्म। तब ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 इसको देख रहे हैं। इफ देर आर 99 बेसिस इन mRNA दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन विथ 33 अमाइनो एसिड्स एंड द बेस एट पोजिशन 30 अंडरगो नॉन सेंस म्यूटेशन, देन वॉट विल बी द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड। देखो ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत उस पर ले लिया, शायद ये बॉटनी में इसका सही आंसर आएगा। तो 99 डिवाइडेड बाय 3, तो 33 हो गया। 33 ट्रिपलेट हमें पता है जेनेटिक कोड में होते हैं, तो 9 अमाइनो एसिड लंबी एक चेन बनेगी। ठीक है,
एक अमाइनो एसिड के लिए तीन जेनेटिक कोड रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉटनी का क्वेश्चन है, आपको बॉटनी वाले सर ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 75, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज। देखो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। बहुत सिंपल सा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है ये। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, ठीक है। इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज़ रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज़ नॉन रिड्यूसिंग, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, नहीं है। ऊपर जब एनिमल के लिए आ गया तो फिर प्लांट्स के लिए नहीं है, तो डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल होता है, प्लांट्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ये दोनों में एक कॉमन डिफरेंस भी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 76 की मैं बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ मेटाबॉलिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। तब देखिए कितने स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो देखो अगर हम फर्स्ट जो ग्लाइकोलिसिस है वहाँ से अपन इसको स्टार्ट करें, ठीक है, तब इस तरह से कुल मिला करके हमें 10 स्टेप मिलेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, तो टोटल स्टेप्स यहाँ तक आते आते 11 हो गए, तो डी जो है वो सही आंसर हो गया। बायोमोलिक्यूल का ही क्वेश्चन है ये। देखिए कॉकरोच के रिगार्डिंग नेक्स्ट 86 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट स्टेटमेंट हमें कॉकरोच की देखना है। तब देखिए इन द कॉकरोच द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स, ये सब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 83 पर आ रहे हैं, इन ए पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया द डिफरेंस इन द नेटेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट इज़ ज़ीरो, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर ईयर, बट द पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ इन डिक्रीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीज़न फॉर दैट इंक्रीज। तब देखिए बाकी दो फैक्टर्स भी हैं पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले, एक इमिग्रेशन दूसरा ई माइग्रेशन, तो ये फैक्टर भी यहाँ पर मैटर करेंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होंगे, वहाँ से माइग्रेट करने वालों का नंबर कंपैरेटिवली कम होगा, तब सी ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, द टिश्यू लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ए फेलोपियन ट्यूब। तो बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है, तब सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन गलत आ गया मेरे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है टेस्ट 85 एनटीए टेस्ट, कौन सा 85th टेस्ट को हमने डिस्कस किया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जूलॉजी के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें हैं,